रात हो चुकी है भाई, मैंने टिकट परचेज कर लिया है, 55,000 सोम्स में पड़ी है। की पड़ी है मेरे को भाई ये, और मैं इसमें घूम रहा हूँ, देखते हैं यहीं पर अंदर कैफ़े भी है। एक्चुअली नाइट में भी अलग खूबसूरत है और डे में तो है ही है, डे में तो मतलब आपको सिर्फ इसके प्रॉपर हाइलाइट्स मिलेंगे। नो नियत। तो भाई आसपास का देखो, आ गया वो अंदर, इनमें जो लाइटिंग लगी है ना वो एक नंबर है, रात में ना खूबसूरती और निखर के आती है। ठीक, भाई गजब लग रहा है। देख रहे हो हाइट गजब है भाई, मैं देख रहा हूँ मुझे तो पता चल रहा है। ये देखो मतलब 360 डिग्री कैमरे में भी पूरा ये कैप्चर नहीं कर पा रहा, इतनी हाइट इसकी। देखो सी, मेरा हाफ बॉडी कट हो रहा है, उसके बाद ये ऊपर तक कैप्चर कर रहा है। ये हम जा रहे हैं सीधे मदरसे के अंदर। मदरसा आपको इस्लामिक दुनिया में सुनने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये है इसके अंदर का, रेनोवेट कर दिया गया अंदर से ही सारा कुछ, मस्त लग रहा है। ओ गजब सी, ये दरवाज़ों को देखो, अभी भी ना वैसे ही वो पुराने वाले जो लगे हुए हैं ना, जो पहले ज़माने में हुआ करते थे, वो एक्चुअल गेट्स हैं। इसी में शॉप्स भी लोगों ने खोल रखी है, किसी को परचेज़ करना है तो परचेज़ कर सकता है। ये इसका सेंटर पार्ट है, यहाँ पेड़ सब में लगे हुए हैं। जैसे सारी शॉप्स बंद हैं, इन सभी में शॉप्स दी हुई हैं, ये जितने भी गेट दिए हुए हैं। जैसे ये हो गया, ये गेट लगा हुआ है, ये फैब्रिक देखो कितना सॉफ्ट है, माय गॉड ये बहुत सॉफ्ट है। सारे बैग्स हैं, सारे यहाँ पे ना आपको हर जगह सिरेमिक काम मिलेगा, जितने भी दिख रहे हैं ना ये सिरेमिक वाले। ये देखो कितना खूबसूरत है सिरेमिक। ये जो मदरसों के छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, इनको शॉप्स में तब्दील कर दिया गया है और शॉप ओनर्स को दे दिया गया, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये बंद ही है, मतलब ओपन है, तो उसे बिजनेस के लिए है। बाकी आप चाहो तो खुद भी यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हो। ये तो मैंने एक दिखा दिया आपका, क्लोथिंग का था। ये एक छोटा सा म्यूजियम काइंड ऑफ बना हुआ है, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ सिरेमिक प्रोडक्ट्स 8th से 10th सेंचुरी पहले के हैं। आफ्रेशिया समर कंध, आफ्रेशिया वर्ड ये बहुत पुराना है, जिसको इन्होंने फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन को दिया अपने, और ये इनके पुराने जो जार हुआ करते थे ये वो हैं, ये पहले के मटके, हाउस होल्ड सिरेमिक्स। ये देखो जो एक्चुअल के सिरेमिक्स हुआ करते थे, डिज़ाइन आर्ट जो हुआ करती थी, जो बर्तन थे यूटेंसिल्स 10th और 12th सेंचुरीज़ के हैं, और ये उस समय के ज्वेलरीज, गजब भाई। प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रॉम मेटल, सो ये मेटल की सुराहियाँ, सिराही बोल लो, ये यूज़ होती थी, ये सारी कुछ है यहाँ पे, ये भी सारे मेटल के आइटम्स हैं। एंड दिस इज समथिंग बिग सी, एक अच्छा म्यूजियम बना दिया लोगों ने, छोटा सा सही है। ओके, ये ऑयल लैम्प्स थे, देखो ये पेपर हुआ करते थे, गजब भाई, सैम्पल्स ऑफ समरकंद पेपर, पेंसिल वुड की जो बनी होती थी, ऑयल लैम्प्स 19 से 20 सेंचुरीज के अभी भी रखे हुए हैं भाई मेरे पास। ये धुआं करने के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए ऑयल लैम्प्स, ये मेटल की एक और सुराही, अभी और भी है देखते जाओ भाई। ये छोटी सी अलादीन का चिराग और ये कुरान, ये हूँ मैं इसके अंदर, चलते हैं
ऊपर भी गेट दिए हुए हैं चलने के लिए। उस बार ऊपर देखते हैं कुछ है कि नहीं ऊपर जाने के लिए, कुछ अंदर का रास्ता। तख्त बनाया गया बैठने के लिए, बट पता नहीं उस समय का है या नहीं है। ये अगेन बैठने के लिए यहाँ पे बीच में बहुत सारी चीज़ें ना चेंजेस कर दिए गए हैं इसमें, जैसे कि ये तो सारे छोटे छोटे मदरसे बने हुए थे पढ़ने के लिए, तो इनको तो शॉप में बदल दिया गया है, शॉप्स ओनर्स को दे दिया गया, बेच दिया गया। वो है एग्ज़िट निकलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अभी भी यहाँ पे नमाज़ें होती हैं, आप पढ़ना चाहो तो नमाज़ पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं लोग। चलते हैं, खूबसूरती देख रहे हो भाई, इतना सेपरेट कर दिया गया है नमाज़ पढ़ने के लिए तो कोई इंटरफेरेंस ना हो। बाकी उधर तो फैब्रिक्स का क्लोथिंग का कुछ नहीं है। ओह, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये मार्बल्स, ये ऑर्नामेंटेड जो भी पैटर्न्स बने हुए ना, ये वो सारे मार्बल्स हैं, पैटर्न्स ऑफ ऑर्नामेंटेड। ये सैंपल ऑफ अरेबिक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कार्व्ड मोज़ेक टाइल्स। ये जितनी भी टाइल्स लगाई गई है ना, उन टाइल्स के थ्रू अरेबिक में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की गई है, लिखावट की गई है। ये भी वही है, ऑर्नामेंट मेटल्स हैं। तो ये जो कारीगरी की जाती थी पहले, वो कैसे होती थी, पहले ये पेपर पर ड्राइंग होगी, उसके बाद ये पत्थर पर रख के इनको क्या कहते हैं काटा जाता था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये पीसेज हैं आपको ये दिख रहे हैं, ऐसे पीसेस बनेंगे, ये सारे ऐसे जोड़ जाड़ के ये पीस, जैसे ये एक पन्ना, एक इसका इस पार्ट जो है काट के यहाँ चिपकाया, फिर इसको काटा जाएगा, काटने के बाद से ऐसे पीसेस बनेंगे, फिर पीसेस को इन, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना मिट्टी, इसमें ऐसे जोड़ा जाता था, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें रेडी होती थी। सारा टाइल वर्क है, कैसे किया जाता था पहले के समय में, देखो कितने खूबसूरत टाइल था। वुडन पैन, बाप रे, ये वुडन पैन हुआ करेगा, पहले की क्या हालत थी। इनसाइड पार्ट ऑफ द शेड डोर मदरसा 30th सेंचुरी। ये है कार्व्ड नेचुरल स्टोन टाइल अबव वाटर एब्जॉर्बिंग वेल। गड्ढे की जगह पे या फिश फाउंटेन की जगह पे इसको रख देते हैं, ताकि वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके नीचे चला जाए। फ्रेम फ्रॉम कार्व्ड पैटर्न्स मोज़ेक एंड टेराकोटा टाइल्स, सैम्पल्स ऑफ मजोरी का टाइल्स। मतलब पहले के समय की बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं भाई, स्पेशली पत्थर से रिलेटेड, क्योंकि वो पत्थर कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग ही है, इतने आसान पत्थर नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं इनपे गिल्डेड ऑर्नामेंट। चलते हैं साइड भी देख ही लेते हैं, इधर सारा कुछ बाजार से रिलेटेड है। चलते हैं बाहर, देखते हैं और भी कुछ, एक और भी बचा हुआ है अदर साइड में, बाहर चलते हैं। एक और मॉन्यूमेंट बचा है मदरसा, उसको भी देखना बाकी है। ये वाला बचा हुआ अभी, जो मैंने आपको पत्थर दिखाया था ना वहाँ पे जो स्टोन था, कुछ इस तरीके के काम आता है वो, जहाँ से पानी एब्जॉर्ब होगा गड्ढों में जाएगा, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा निचला स्थल, मतलब कैसा बताऊँ, थोड़ा सा गड्ढा वहाँ बना होता है उसमें स्टोन में। और ये आपका बचा, ओके, द ग्रेव ऑफ ख्वाजा मोहम्मद कौतुंगू, उनकी यहाँ पे ग्रेवयार्ड रखी गई है। देखते हैं अंदर अभी क्या ही बनाया था लोगों ने पहले के समय में, आज भी वो खड़े हैं इतनी मजबूती के साथ में, माय गुडनेस, मतलब जोड़ देख सकते हो भाई, मच जोड़ देखो, ये दो मार्बल्स के बीच का जोड़। और जो ये है शेर दौर मदरसा, और ये दो बाकी मदरसे बने, इन तीनों मदरसों को मिला के बनाया गया था रेगिस्तान स्क्वायर। ये पूरा खाली हुआ रखा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई फ़ोटोज़ खींचने वाले होते ना
भाई गजब गजब की फ़ोटो आ सकती थी, एक नंबर फ़ोटो देख के बस लोगों के मुंह से वाव ही निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सी एक और एग्जांपल, वो जो मैंने आपको बहुत बड़ा मार्बल दिखाया था ना, कुछ इसी तरीके से उसको कार्व किया गया है नीचे से ऐसे गोल करके और गड्ढा किया गया ताकि उसको एक जगह पर रखा जाए और किसी सेंटर एरिया में डालने की वजह से पानी जो है सब वहीं पर इकट्ठा होगा और बह जाएगा। तो मैंने एक शॉल ले ली है, छोटी सी है, ज़रूरत है फेस पे लगाने के लिए क्योंकि जब ठंडी बढ़ रही थी ना, अभी मैं ताजिकिस्तान जाऊँगा। सो ताजिकिस्तान के बाद कहाँ जाना है वो अभी मिस्ट्री है। जो मैं ताजिकिस्तान जाने वाला हूँ तो उसके लिए ठंडी बहुत है और मुंह पे लगाने के लिए नाक में मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो ये मेरे लिए काम आएगा वार्मर की तरह। यही था पूरा हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री रेगिस्तान स्क्वायर की, जो मिल के बनता है तीन मदरसों से, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये समरकंद एक सिल्क रूट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हिस्सा था और रहेगा क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमेशा बनी रहेगी। उज़्बेकिस्तान में कभी भी आपको कुछ ढूंढना हो डॉक्टर से रिलेटेड तो वो ये है दौरिक सोना, देख लो। जहाँ पे भी आपको दौरिक सोना दिख जाए मतलब वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, नहीं तो सबको मेडिकल स्टोर जो है वो मिल जाएगा। ये बच्चे देखो स्कूटर दौड़ाते हुए, जिस रूट से मैं सुबह आया था उसी रूट पे मैं वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई एंट्री फीस नहीं लग रही है बीबी खानुम के मॉन्यूमेंट में। ये 1399 से 1404 तक था आमिर तैमूर। सो इसकी हिस्ट्री क्या है बीबी खानुम मॉस्क की, ये 15th सेंचुरी का सबसे खूबसूरत एंड द लार्जेस्ट मॉस्क पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, 15th सेंचुरी में दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लार्जेस्ट एंड सिग्निफिकेंट मॉस्क, इसलिए इसकी बहुत अहमियत है यहाँ पे समरकंद में भी। और ये पहले के उस समय के जो दरवाज़े हैं ये पता नहीं वही हैं या फिर रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए टिकट लगेगी। इसमें भी तीन मॉस्क हैं, एक छोटा सा ये है और एक वो है, बस चलते हैं। नो स्कॉल का टिकट सर ओके 40,000 एडल्ट राइट एडल्ट 40,000 आई विल कम टुमारो। सो डिस्काउंट दे रहे थे वो भाई जो प्रिंटेड रेट्स हैं उसमें भी, अभी अगर मैं जा रहा था अंदर तो। सो ज़्यादा कुछ अंदर जाकर देखने के लिए है नहीं क्योंकि ये सिर्फ मॉस्क है यहाँ पे, और 15th सेंचुरी में इसकी अलग ही एक पहचान थी और इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड इन द सेंस कि इस्लामिक जो दुनिया थी 15th सेंचुरी में उस समय इसका बहुत महत्व था क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा मॉस्क। सो अब हमें चलना चाहिए वापस अपने हॉस्टल की तरफ, कुछ खाते पीते हैं फिर आराम करेंगे, सुबह उठेंगे एक बार और इसके नज़ारे मारेंगे या फिर आसपास के दूसरे और भी छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि एक ये है इसे देखेंगे और हिस्ट्री जानेंगे थोड़ी बहुत शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं। लॉन्ग हिस्ट्री मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा ना आप देखोगे। सो आज का दिन बस इतना ही था, बीबी खानुम मॉस्क आमिर तैमूर और एक आपका आमिर तैमूर का जो मैंने पीछे छोड़ दिया था उसके लिए मैं सोच रहा हूँ जाऊँगा क्योंकि वो मेन है मॉन्यूमेंट आमिर तैमूर का। और रेगिस्तान स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया है, सो देखते हैं कल फिर से दोबारा। सो आज की वीडियो में बस यही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आप सबको मेरी ज़िंदगी से जुड़ना है कि मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ जॉब के साथ में, तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़िए, आपको भी मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।